नमस्कार दोस्तों, आज अपन मैकेनिकल होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। देखो, वैसे होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल फॉर्म। आज अपन मैकेनिकल होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में देखेंगे। मैकेनिकल होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है? वो मोस्टली खुद दो प्रकार का होता है, जैसे स्टोर्ड प्रेशर मैकेनिकल फॉर्म टाइप और गैस कार्टेज मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर? टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 9 लीटर कैपेसिटी होती है। क्लियर? ओके, इसमें डालते क्या है? 9 लीटर क्या होती है टोटल कैपेसिटी, तो 8.5 लीटर के लगभग पानी और आधा लीटर क्या डाला जाता है? फोम कंपाउंड। क्या डाला जाता है? फोम कंपाउंड। क्लियर? यानी अंदर क्या हो गया? फोम कंपाउंड का सॉल्यूशन अंदर भरा जाता है। क्लियर? और इसके अंदर भी स्टोर्ड प्रेशर मैकेनिकल फोम टाइप में भी क्या भरा जाता है? 8.5 लीटर पानी और आधा लीटर फोम कंपाउंड। यानी फायर एक्सटिंग्विशर की टोटल कैपेसिटी है उसका 6% क्या डाला जाता है इसके अंदर? फोम कंपाउंड। वही किस में? गैस कार्टेज मैकेनिकल फोम टाइप में भी वही है, 9 लीटर टोटल कैपेसिटी, उसका 6% क्या डाला जाता है? फोम कंपाउंड। ओके, अब अपने को क्या करना होता है? काम में खा ले इसको, काम में खा ले फायर एक्सटिंग्विशर को। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जनरली अपन बी क्लास की फायर को बुझाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, तेल, केरोसिन, ठीक है, स्प्रिट, तारकोल आदि की आपको बुझाने के लिए अपन बी क्लास को बुझाने के लिए इसको काम में लेते हैं, मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को। क्लियर? अब ए क्लास की आपको भी बुझाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्या है इसमें? पानी है, और पानी ए क्लास की आपको बुझा सकता है। कहने का मतलब सॉलिड और लिक्विड ए और बी दोनों क्लास की आपको बुझाने के लिए अपन मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को काम में ले सकते हैं। दोनों के अलग अलग नाम हो गए। इसका नाम हो गया गैस कार्टेज मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और इसका स्टोर्ड प्रेशर मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने एक दिन पहचान के बारे में इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इनकी पहचान करते हैं नोजल से। तो इसकी जैसे जिसके फोम मेकिंग ब्रांच हो उसका नाम क्या हो जाता है? मैकेनिकल फोम। ये फोम मेकिंग ब्रांच किसको जनरेट करती है? हमेशा मैकेनिकल फोम को जनरेट करने के लिए काम में लेते हैं। क्लियर? तो कौन सा एक्सटिंग्विशर है ये? पहचान किससे हुई? नोजल से होगी। अब दबाव बनाने की विधि कौन सी है? तो ये अपन ऊपर से देख के कैप देख के पता करेंगे। तो ऊपर से दबाने वाला सिस्टम है, इसका मतलब किसको दबा रहे हैं अपन? गैस कार्टेज को। तो इसका टोटली नाम क्या हो गया? गैस कार्टेज मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसी प्रकार इसी की इसकी पहचान कैसे हो? तो ये नोजल से पहचान होगी कि फॉर्म मेकिंग ब्रांच लगी हुई है, तो ये क्या बनाएगी? मैकेनिकल फॉर्म का उत्पादन करेगी। और ऊपर से देगा कि गेज लगी हुई है, इसका मतलब पहले से कंपनी से प्रेशर को क्या करवाया गया है? स्टोर्ड करवाया गया है। तो वही बात, इसका नाम क्या हो जाएगा? टोटली मैकेनिकल फॉर्म स्टोर्ड प्रेशर, स्टोर्ड प्रेशर मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर? ओके, अब दोनों को चलाने की विधि देखते हैं। तो चलाने में कुछ नहीं, इसको गैस कार्टेज मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या निकालते हैं? सेफ्टी क्लिप निकालते हैं, प्लंजर को दबाते हैं। क्या करते हैं? प्लंजर को दबाते हैं। तो प्लंजर की जो केप असेंबली है, नीचे केप असेंबली, ये केप असेंबली है, इसके अंदर गैस कार्टेज होल्डर होता है, उसमें गैस कार्टेज फिट होता है। क्या फिट होता है? गैस कार्टेज। जैसे अपन इसको पंच करेंगे तो पंच करने से क्या हो जाएगा? जो गैस कार्टेज है वो पंचर हो जाएगा, लीक हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? जो खाली है, देखो पूरा नहीं भरा होता है ये 9 लीटर का, ऊपर से खाली रहता है, 9 लीटर कैपेसिटी के बाद में ये क्या रहता है? खाली। उसमें गैस आ जाती है, जो CO2 गैस कार्टेज में भरी है वो गैस इसके अंदर आ जाती है खाली स्थान में। वो क्या करेगी? दबाव बनाएगी। क्या करेगी? दबाव बनाएगी। दबाव बनेगा तो जो सॉल्यूशन है, फोम सॉल्यूशन है, वो साइपन ट्यूब अंदर, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो साइपन ट्यूब से जुड़ी हुई है। ये दबाव लगेगा तो ये जो फोम सॉल्यूशन है वो साइपन ट्यूब से होते हुए डिस्चार्ज ट्यूब से होते हुए, डिस्चार्ज होज भी बोलते हैं, होते हुए अपने फोम मेकिंग ब्रांच तक पहुंचती है। फोम मेकिंग ब्रांच में क्या होता है? देखो इधर आगे छोटे छोटे होल लगे हैं, कटे हुए होते हैं, तो इसमें क्या होता है? पानी और फोम कंपाउंड यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से एयर का भी सक्शन हो जाता है और बाहर किसके रूप में निकलता है? बबल्स के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार
इसको कहाँ काम में ले सकते हैं अपन, ए और बी क्लास की आग को बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, वही 9 लीटर फोम सॉल्यूशन भरा हुआ जिसमें 8.5 लीटर के लगभग पानी है और आधा लीटर फोम कंपाउंड है। जैसे अपन क्या करेंगे, इसको चलाना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी पिन को निकालेंगे और सेफ्टी हैंडल को निकालेंगे और उसके बाद में इस ये इसका नाम होता है ऑपरेटिंग लीवर। क्या नाम होता है, ऑपरेटिंग लीवर। ऑपरेटिंग लीवर को दबाएंगे, दबाने से यहाँ पे देखो एक नॉन रिटर्न वाल्व होता है वो ऑपरेट हो जाता है और जो पहले से प्रेशर तो बना हुआ है ही, इसमें दबाव तो है ही, और जो फोम सॉल्यूशन है वो क्या होता है, साइपन ट्यूब से होते हुए डिस्चार्ज होज बोल सकते हो या डिस्चार्ज नोज डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हो, डिस्चार्ज ट्यूब से होते हुए डिस्चार्ज फोम मेकिंग ब्रांच तक पहुंचता है। फोम मेकिंग ब्रांच में वही प्रोसेस, पीछे से पानी और फोम कंपाउंड आ रहा है, यहाँ से एयर का सक्शन हो जाएगा और पानी फोम कंपाउंड और हवा मिलकर बाहर किसके रूप में निकलेंगे, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार ये अपने दोनों फायर एक्सटिंग्विशर क्लियर हो गए। देखो स्टोर प्रेशर सारे अपने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी चलाने की विधि एक होती है, क्या होती है, पास विधि पे ऑपरेट होते हैं। किस विधि पे ऑपरेट होते हैं, पास विधि पे ऑपरेट होते हैं। देखो वो पास विधि क्या है, स्टोर प्रेशर किस विधि द्वारा ऑपरेट होते हैं, तो पास विधि ये है, P4 होता है पुल द पिन। P4 क्या होता है, पुल द पिन, यानी पिन को बाहर निकाल दिया, सेफ्टी हैंडल को बाहर निकाल दिया। क्लियर, एक का मतलब होता है एम द बेस ऑफ फायर, यानी कहीं भी अपन आग बुझा रहे हैं उसके बेस की ओर क्या करे, नोजल को करे। क्लियर, पी ए हो गया, उसके बाद ए, ए बचाना, ठीक है, तो एम द बेस ऑफ फायर हो गया, पी ए, और उसके बाद एस, एस का मतलब हो गया स्क्वीज द लीवर, लीवर को क्या करो, स्क्वीज करो, दबाओ, इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, अपना साल्ट बाहर आएगा, तो स्क्वीज द लीवर। और लास्ट एस बचा उसका क्या हो गया, स्प्रेड साइड टू साइड या स्वीप साइड टू साइड। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।